जी हमने अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। ये हमारी वीडियो शो, ये चावल हैं, चावल की फसल लगी हुई है, सारे चावल लगे हुए हैं, ये देखें जी, सारे चावल लगे हुए हैं। और यहाँ पे मेरे वो पीछे भी आगे भी चावल लगे हुए हैं, पूरी चावल की फसल है, ये तैयार है। मेरे ख्याल में चावल की फसल थोड़े दिनों के बाद ये उतर जाएंगे। और देखते हैं, ये फिर ईंटों आ गई हैं, कच्ची ईंटें बनाने की जगह। अब हम जंगी के इलाके के शुरू हो चुके हैं, यहाँ से ये सड़क जंगी के इलाके जहाँ हम जा रहे हैं वो इलाका शुरू हो चुका है। यहाँ से ये भी ईंटें बनाने की जगह है, भट्टे रास्ते में काफ़ी बने हुए थे, मैंने आपको दिखाए हैं। आगे से ये गन्ना है, आगे लगा हुआ है, और ये आगे सारी ये बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है यहाँ पे, ये ज़मीन सारी है। आगे से ये ज़मीन भी खाली पड़ी हुई है सारी। तो ये जंगी का इलाका शुरू होने वाला है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, हम उस इलाके में पहुँचने वाले हैं जहाँ हम जा रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है हमारे ब्लॉग? तो रास्ते में हमने आपको दो तीन इलाके दिखाए हैं, आप जंगी के इलाके दिखा रहे हैं। ये सड़क उसी की जा रही है, जंगी की तरफ जा रही है, तो हम आपको ये भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पे एक मस्जिद भी बनी हुई छोटी सी, ये रास्ते में बनी हुई, यहाँ दर्श है, ये देखें जी। ये देखें जी, आगे से ये घास लेके आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें जी। और ये जंगी का इलाका शुरू हो चुका है, ये खजूर वगैरह लगी है छोटी छोटी सी। और रास्ते में कोई दर्श था, वहाँ मौली पढ़वा रहा था और बच्चों को मार रहा था, मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी, थोड़ी सी बनी है, वरना मैं आपको वो भी दिखाती। तो ये लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए दर्श में, और ये मौलवी साहबान जो हैं ये इतना मारते हैं बच्चों को, तो हुकूमत को इस पर भी एक्शन लेना चाहिए दर्श पर। तो मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन वो बच्चों को मारा था डंडे लेके, तो थोड़ी सी आई होगी शायद, आपको नज़र आ जाए। तो ये देखें जी, ये रास्ते में कपास वगैरह है, ये भैंसी हैं, और ये सारे बने हुए हैं जी, घर बने हुए हैं कच्चे, इनकी अपनी ज़िंदगी होती है, इनकी अपनी लाइफ होती है। तो ये देखें जी, ये चावल हैं जी सारे, ये देखें चावल लगे हुए हैं, ये सारे चावल लगे हैं। और आगे से भी आपको दिखा रहे हैं, ये सारे चावल चावल ही चावल लगे हुए हैं सारे। कपास है, कपास उतर गई, अब कहीं गंदम लगा रहे हैं और चावल लगे हुए हैं, अब चावल का सीज़न है। ये गन्ने हैं ना वो वाले, ये गन्ने लगे हुए हैं, ये कपास लगी है, कपास तो ख़त्म हो गई है, अब मेरे ख्याल में गंदम लगाएंगे यहाँ पर, वो चावल लगे, चावल बहुत लगा हुआ है ना, वो सारे चावल लगे हुए हैं, ये सारे जी चावल लगे हुए हैं यहाँ पे, हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिश करिए मैं उतर के आपको दिखाऊं चावल किस तरीके से लगे हुए, देखें रास्ते में आते हैं चावल तो मैं आपको दिखाती हूँ, नज़दीक जाके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये चावल बन रहे हैं और लगे हुए हैं। चलें जी, अपना ये पेट्रोल पम्प फिर आ गया रास्ते में जी, और ये जी अब फिर पेट्रोल पंप आया था, अब हम जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो अभी कोई चावल की फसल आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगी हुई चावल की फसल, पीछे गुजर गई है, मैं आपको दिखा नहीं सकी, इसलिए मैंने अब रोक के फिर आपको दिखाती हूँ और कैसे है। ये कोई फैक्ट्री है यहाँ पे, कपास की फैक्ट्री है, ये देखें ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें सारी कपास की फैक्ट्री है, कपास, हाँ ये कपास की फैक्ट्री है ना, सारी कपास आई हुई है यहाँ पे, देखें सारी कपास की फैक्ट्री है, यहाँ साथ खेत लगे हुए हैं सारे, सारी फैक्ट्री है कपास की सारी यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे जाइए। और गाइस थक भी बहुत गए हैं, आपकी खातिर हम निकलते हैं, दिखाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कम से कम अब हमारे सब्सक्राइब लाजमी किया करें, लाइक भी कर दिया करें, हमारे घंटी के बटन को भी दबा दिएगा, अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें जी ये चावल की फसल है, ये देखें ये चावल लगे हुए हैं, ये देखें जी, ये देखें ये सारे चावल लगे हुए हैं, ये मैं आपको नीचे उतर के दिखा रही हूँ, चावल की फसल है, ये सारी चावल की फसल है।
और जब ये उतारते हैं काट के, पता नहीं आप कैसे काटते हैं कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये चार ही चावल की फसल लगी हुई है, सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये देखें जी गाइस, ये जंगी का इलाका शुरू हो चुका है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, आपको हमने दिखाया था अभी ये चावलों की फसल दिखाई थी नज़दीक जाके, तो अब आगे कोई फिर फैक्ट्री आ रही है, इस साइड पे फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, इस कपास की थी ये, पता नहीं कौन सी फैक्ट्री आ रही है। नज़दीक जाते हैं तो आपको दिखाते हैं कि कौन सी फैक्ट्री है, ये कौन सी फैक्ट्री है चावलों की। हाँ चावलों की फैक्ट्री लग रहा है, चावलों की फैक्ट्री लग रही है ना, लॉन भी बना हुआ है यहाँ पे ये छोटा सा। और अच्छी फैक्ट्री बनी हुई है ये जी, किसान राय। हाँ चावलों की फैक्ट्री है ये, चावलों की फैक्ट्री थी गाइस। यहाँ पे चावल आके साफ होते हैं फिर आगे जाते हैं, तो आगे देखें जी, कोशिश करेंगे थोड़ा सा अंदर से आपको दिखाएं चावलों की फैक्ट्री। तो ये देखें जी, अब हम जा रहे हैं, ये रास्ते में भी कोई घर आ गया जी। ये देखें जी, ये जंगी का इलाका है, स्टार्ट हो चुका है, जंगी का इलाका स्टार्ट हो चुका है। और आगे से फिर एक बोर्ड लिखा आ रहा है, इस पर लियाकतपुर, चनीकोट, भावलपुर लिखा हुआ है, खानपुर लिखा हुआ है आगे से। ये मेन सड़क है जी, ये देखें, अच्छा चनीगोट, खानपुर, लियाकतपुर, चनीगोट, भावलपुर, 17 किलोमीटर है खानपुर बस, लियाकतपुर 65 किलोमीटर, चनीगोट 83 162 किलोमीटर। ये देखें जी, ये पेट्रोल पंप दोबारा आ गया जी, यहाँ रास्ते में बहुत पेट्रोल पंप हैं, ये जंगी के इलाके का पेट्रोल पंप है, लेकिन है बड़ा अहमी सा है। ये देखें जी, ये सारा यहाँ पे बना हुआ इलाका है, आगे हम जा रहे हैं आपको दिखा रहे हैं, तो बहुत थक भी चुके हैं हम, तो देखें हम जहाँ जिस इलाके में जा रहे हैं पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं जी। ये वही सड़क जा रही है, अब जी इस इलाके में पहुँच चुके हैं, और ये इलाका जी अब हम ये पहुँच चुके हैं। ये देखें जी, ये खेत वगैरह हैं, गन्ने वगैरह भी हैं, और ये फिर चावल की, ये चावल नहीं है, ये कोई और ही चीज़ लगी हुई है। तो देखें बहुत मज़ा आ रहा है वैसे, गांव के साइड पे जाना, गांव के इलाकों को देखना बहुत इंजॉय होता है, बहुत मज़ा आता है। तो हमारी सही जो कल्चर की लाइफ वो गाँव वालों की है, शहर में तेज़ी होती है, यहाँ में ज़रा सब्ज़ा खेत गाँव और बहुत इखलाक के लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो जहाँ हम जा रहे हैं मैं दिखाऊंगी, ये फिर पेट्रोल पंप आ गए, साजा पेट्रोल पंप है, अभी जंगी का इलाका स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन सड़क स्टार्ट हो चुकी है इसकी, तो आप हमारे साथ रहिएगा। गाइस आपके लिए वीडियोज़ हम कहाँ कहाँ बनाते हैं, तो एक सब्सक्राइब बनता है लाजमी हमारे लिए, और लाइक भी बनता है, और बेल आइकन घंटी को भी आप दबा सकते हैं कि इस तरह की वीडियोस आपको मिल सकें। तो ये ब्लॉग मैं यहीं, ये देखें जी, ये फिर ईंटों के आ गए, यहाँ पे भट्टा बना हुआ है, ये देखें जी हर जगह ये भट्टे भट्टा बना हुआ है, ये देखें ये कच्ची ट्रेन वगैरह बन रही हैं, फिर इसको पक्का करने के लिए ये जो ऊपर से धुआं निकल रहा है ना इस चीज़ में से, इसमें ईंटें में पकती हैं जाके इस चीज़ में, ये देखें जी इस चीज़ में, वहाँ से ईंटें डालते हैं फिर अंदर जाती हैं, फिर धुआं निकलता है, फिर ईंटें पकती हैं इस जगह पे। तो गाइस हम आप यहीं पर अपना ब्लॉग प्लान करते हैं, तो आगे फिर जंगी पहुँच के, जंगी का इलाका स्टार्ट होता है तो वहाँ से हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। मैं ये रास्ते में जहाँ से हम चले थे अपने शहर से वहीं से स्टार्ट किया है, तो रास्ते में जो इलाके आए हैं मैं आपको दिखाती आई हूँ। ये देखें जी, ये
एक शॉप्स बनी हुई यहाँ पे ठहरों की, अगर कोई बेंचेस वगैरह हो जाए तो यहाँ से ठहर कर ले सकते हैं। ये देखो, और गाइस एक आपको मज़े की चीज़ दिखाऊं जी, ये मोटरसाइकिल पे लेडीज़ जा रही हैं घास उठा के, ये साथ आए ज़रा तो मैं आपको दिखाती हूँ। पीछे लेडीज़ बैठी हुई हैं और घास इतना सारा उठाया हुआ है इसने। हाँ ये देखें जी, अब आपको नज़र आएंगे ये लेडीज़ की, ये देखें मोटरसाइकिल पे घास उठा के जा रही हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें जी, ये देखें जी, ये जा रही हैं जी जी पर्दा कर रही हैं ये देखें जी पर्दा कर गई हैं फिलहाल। आगे निकलो, आगे निकलो, ये देखें जी गाय, ये लेडी पर्दा करके जा रही है। तो हमने कहा चले जी छोड़ते हैं इनको, तो हाँ ये देखें जी बाग है यहाँ पे, आंबों का बाग है ये सारा इस जगह पे, ये सारे बाग लगे हुए हैं और ये भी आंबों का बाग है। जब आंबों का सीज़न होता है ये आंबों से भरे होते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ के बाग से आम तोड़ना और खाना, बहुत मज़ा आता है। ये सारा जी बाग लगा हुआ है आमों का और बहुत प्यारे तरह अच्छे, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये पौधे। यहाँ भैंस वगैरह भी ये देखें घास खा रही है, जो नीचे लगा होता है घास वो खाती हैं ये देखें। और ये सारे आम को बाग हैं, ये सारा इलाका आमों का है। जब आमों का सीज़न था तो मैंने अपने बाग के भी आपको आम दिखाए थे, अपने बाग भी दिखाया था। ये देखें जी, ये रास्ते सड़क के किनारे हैं, ये सारे पौधे लगे हुए हैं और ये देखें ये बहुत प्यारे लग रहे हैं बहुत ही। तो ये देखें जी, अब हम अपना ब्लॉग यहाँ एंड करते हैं, हम जंगी के इलाके में पहुँच के फिर अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।